हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया चंक से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, जिसे आप चावल, चपाती, पराठा, जिससे मर्जी उससे इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बनाना भी बहुत इजी है, तो इसके लिए मैंने सोया चंक्स लिए हैं। और यहाँ चावल को और इन दोनों को अच्छे से धो के 10 से 15 मिनट इन्हें भिगो लेंगे। पहले एक से दो बार इन्हें साफ़ पानी से धो लेंगे और फिर साफ़ पानी में इन्हें 10 से 15 मिनट भिगो दूंगी। सोया चंक्स को 15 मिनट हो चुके हैं, ये मैंने नॉर्मल पानी में ही भिगोए हैं। गर्म पानी में हमें नहीं भिगोने हैं, नॉर्मल पानी में ही भिगोने हैं। और इसे भी अच्छे से धो लेंगे। और यहाँ मैं प्याज के, एक प्याज के 4 पीस करूँगी। हमें बारीक प्याज नहीं काटनी है, 4 पीस करके इसको, जो इसके स्लाइस होते हैं, इसको बिल्कुल अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसे हमें अलग करना है। यहाँ एक मीडियम साइज का टमाटर लेंगे और इसको भी बहुत बारीक बारीक कट कर लेंगे। यहाँ अदरक मैं काट चुकी हूँ, 2 हरी मिर्च ली हैं, इन्हें भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ पनीर को हमें ग्रेट करना है। एक कटोरी सोयाबीन की बड़ी ली है मैंने, और 50 से 60 ग्राम हमें पनीर ग्रेट करना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 50 से 60 ग्राम ही ग्रेट करना है। इसे आप बारीक वाले कद्दूकस में ही कीजिएगा, मोटे वाले में मत कीजिएगा। ये मेरा कद्दूकस हो चुका है। तो कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल, या जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो वो भी ले सकते हो, देसी घी भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। और इस तरीके से मैं कढ़ाई को थोड़ा ग्रीस कर लेती हूँ। यदि नॉन स्टिक में बना रहे हो तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। और पहले इसको, सोया चंक्स को थोड़ा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सुनहरा सा होना चाहिए। फिर हल्का सा हम दोबारा से ऑयल लेंगे। इसमें तेज़पात का पत्ता, 2 लौंग लूँगी, थोड़ा जीरा, 1 टीस्पून भर के बेसन लिया है, और इसे भी थोड़ा सुनहरा होने तक भूनेंगे। जब ये भुन जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, और इसे भी इसी के साथ भून लेते हैं। जब ये थोड़ा सुनहरा हो जाए तो यहाँ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमेशा बेसन के बाद ऐड कीजिएगा। स्टार्टिंग में प्याज हमें नहीं डालनी है, पहले हमें बेसन भूनना है, उसके बाद प्याज को यहाँ ऐड करना है। और प्याज मिलाकर भी इसे थोड़ा भून लेते हैं 1 से 2 मिनट। अब इसमें थोड़े बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी इस टाइम ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे टमाटर को। यहाँ आधी कटोरी मैंने दही ली है, बिल्कुल फ्रेश दही लेनी है हमें, खट्टा दही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही ली है। और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। जब भी आप किसी भी सब्ज़ी में बेसन का यूज़ करें तो उसमें दही ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। और इसे मीडियम गैस पर पका लेते हैं। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक ऑयल ना छोड़ दे ये मसाला। तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ दिया है। जब ये ऑयल छोड़ दे तब हम यहाँ पनीर को ऐड करेंगे।
और इसे बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मसाले में हल्का हल्का हमें पनीर का दाना नज़र आएगा जब इस सब्ज़ी को हम सर्व करेंगे। यदि आपको दाना पसंद नहीं है तो आप पनीर को ग्राइंड करके भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से पनीर को यूज़ कर सकते हैं, कद्दूकस करके भी कर सकते हैं और ग्राइंड करके भी कर सकते हैं। यहाँ सोया चंक्स ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ बहुत ही कम ऑयल और मसाले में सब्ज़ी बनाती हूँ। आपको यदि बहुत ज़्यादा मसाले और ऑयल पसंद है तो आप अपने अनुसार थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। और आप देख सकते हैं ऑयल किनारे पे छोड़ चुका है ये मसाला, और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग, कितनी आपको पतली रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ चावलों के हिसाब से थोड़ा थिक रखूँगी। इसे अब हम 4 से 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल सिम गैस पे। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, हमारे सोया चंक्स अच्छे से इसमें मसाले में फूल जाएं, तो इसमें गरम मसाला, थोड़ा काला नमक और ऊपर से डालेंगे थोड़ा हरा धनिया। तो आप देख सकते हो हमारी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया से ये बन के तैयार हो चुकी है। बहुत गाढ़ी भी नहीं है और पतली भी नहीं है। इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ, चावल मुझे नॉर्मल पकाना था तो मैंने उसका वीडियो ऐड नहीं किया है, कुछ स्पेशल चावल में करती तब मैं उस वीडियो को भी यहाँ ऐड करती थी, लेकिन नॉर्मल मुझे चावल बनाना था तो वो मैंने अलग से पका लिया है। तो आप देख सकते हो बढ़िया से हमारी सोया चंक्स की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसकी सॉफ्टनेस पूरी अच्छे से बरकरार है। तो इस तरीके से आप सोया चंक्स और पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं। खाने में ये बहुत ही अच्छी लगती है। आलू सोयाबीन की तो सब्ज़ी बहुत खाई होगी, लेकिन आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।